मुझे तो पता था कि इनकार ही होगा। इसीलिए कहते हैं मुझसे हमेशा अच्छे अल्फाज निकालने चाहिए। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरी दूरअंदेशी को तुम हमेशा मेरा कसूर क्यों मानती हो। कसूर तो किसी का भी नहीं है आतिका भी। जो कुछ भी हुआ सब आपके सामने ही है। एक बात बताओ शाबारा, तुम सिर्फ वही रिश्ते क्यों दिखाती हो जहाँ पता होता है कि इनकार होगा? या तो वो इतनी कम उम्र लड़कियों के रिश्ते, या फिर ये रिश्ता। इसकी जोड़ का रिश्ता क्यों नहीं दिखाती? पता नहीं तुम चाहती भी हो कि इसकी शादी हो। हद करती हैं आप। नवीन सुन रहे हैं आप? कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या मतलब है इस बात का? ये क्या कहेगा, देख तो रहा है सब कुछ। तुम दोनों की शादी थी, झटपट हो गई थी, फटाफट हो गई थी, तो फिर रईस की शादी में क्या कबाहत है? इतनी ही दुश्मन हूँ ना अगर मैं, तो खुद करवा लें रईस भाई की शादी। मैं कहाँ से कराऊंगी रिश्ता? जो लड़की मैं ढूंढती हूँ उसमें तुम इतने ऐप निकालती हो, फिर इसको बता देती हो, ये तो हत्ते से ही खुड़ जाता है। खुदा का वास्ते आप लोग चुप हो जाएं। और आपका उनके इनकार का गुस्सा तुम भाभी भी मत उतारो। सब कुछ वाजह है कि जात की वजह से गलतफहमी हुई है, लेकिन तुम होके चुप ही नहीं हो रही। अच्छा भी मैं कुछ नहीं कहती, तुमने कमारे रहना है तुम कमारे ही रहो। थोड़ा सालन मिल जाएगा, कसम से बहुत भूख लग रही है। रोटी लाए थे तो सालन भी ले आते। हालांकि तुम पहले भी कह चुकी हो कि मेरा घर नहीं है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे चाचू का घर है, मेरा भी हक बनता है। कितने मासूम बनते हो, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है ताना दे ही देते हो। नहीं नहीं, मैंने तो कभी खुद को मासूम नहीं बोला। हाँ तुम लोग खुद ही समझ लेते हो कि छोटे शहर से है तो इज्जत बेच के आया हो। जो भी तुम बातों को कहां से कहां ले जाते हो। ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? जाओ यहाँ से, सालन नहीं पका अभी। रूखी खा लो, मेरी बला से खा लो। तुम हमारे आते हो इतनी इज्जत देते हैं, और हमारे तो जलील पे जलील की जा रही हो। क्योंकि हम तुम पे सारी जिंदगी के लिए पढ़ नहीं चाहते। इसको सेट पे करो, सेट पे करो इसको। तो मेरी बात कान खोल के सुनो, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। चाचू ने खुद कॉल करके बुलाया मुझे। हालांकि इतने बड़े शहर में कोई इतनी सैलरी पे नौकरी नहीं करता, पर मैंने बोला चल शोभी अपने चाचू से कैसा हिसाब। पर तुम तो इतना ऊपर जाते हो जैसे लाख रुपए सैलरी पे रखा हो। लाख रुपए वाली शक्ल है तुम्हारी, इसको तो सेट पे करो। मेरी मम्मी सुबह शाम दुआएं देती हैं कि शोभी तू लाखों में खेलेगा। कबूल होने की देर है, फिर देखियो तुम्हारे जैसे लोग भी सलाम करेंगे मुझे। तो मैं सलाम करती मेरी जूती। Thank you.